वेलकम बैक टू द काफोस। एंड जैसा कि आपने मेरा टाइटल एंड थंबनेल देख ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं टोयोटा की एक अपकमिंग कॉम्पैक्ट एसयूवी जो इंडिया में जल्द लॉन्च होने वाली है। इस गाड़ी के बारे में हम फुल डिटेल में बात करेंगे। इस गाड़ी में आपको बाहर से अंदर से इंक्लूडिंग इंजन एंड सेफ्टी वाइज क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं, और हम बात करेंगे गाड़ी इंडिया में कब लॉन्च होगी एंड इसका क्या एक्सपेक्टेड प्राइस रहने वाला है। सो मेरी वीडियो ध्यान से देखना ताकि आप कोई भी डिटेल स्किप ना कर पाएं। उससे पहले मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हुए उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे चैनल पर कार रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पड़ी रहती है। दैट विल हेल्प यू टू बाय राइट कार अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। सो यहाँ पे करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। सो अगर बात करें इस गाड़ी के एक्सटर्नल लुक्स की, जैसा कि आप इस गाड़ी को फ्रंट लुक से देख ही पा रहे हैं, इस गाड़ी में आपको फ्रंट में फुल LED हेडलैम्प्स देखने को मिलेंगे विद डीआरएल्स एंड फॉग लाइट। बीच में आपको टोयोटा की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। साइड लुक की बात करें, साइड में आपको इस गाड़ी में बॉडी कलर डोर हैंडल्स ORVMs देखने को मिल जाएंगे विद अंडरबॉडी स्कर्टिंग ब्लैक में टू प्रिवेंट डैमेज ड्यूरिंग ऑफ रोड्स विद 16-inch अलॉय व्हील्स। एंड अगर बात करें इस गाड़ी के बैक लुक की, बैक में आपको इस गाड़ी में LED लाइट्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी एंड रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे डाउन साइड बम्पर में विद रियर वाइपर रियर डिफॉगर जैसे फीचर्स के साथ। बाकी अगर बात करें रूफ की, रूफ में आपको इस गाड़ी में छोटे से रूफ रेल्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे विद शार्क फिन एंटीना एंड छोटा सा सनरूफ, ताकि ये कॉम्पिटिशन दे पाए टू ब्रेजा सोनेट एंड वेन्यू जैसी गाड़ियों को। सो अब बात करते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर की। जैसा कि आप इस गाड़ी का इंटीरियर देख ही पा रहे हैं, इस गाड़ी में आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा विद 10.25 इंच टच स्क्रीन, जिसमें आपको वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले के फीचर्स देखने को मिल जाएंगे विद 360 डिग्री कैमरा। एंड आपको इस गाड़ी में JBL का म्यूजिक सिस्टम देखने को मिल जाएगा विद ऑटोमेटिक AC एंड रियर AC वेंट्स। आपको इस गाड़ी में बाकी फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि फ्रंट टू वेंटिलेटेड सीट्स, ऑटो IRVM, सनरूफ, ऑल स्टेबल हेडरेस्ट विद फ्रंट एंड रियर आर्मरेस्ट जैसे फीचर्स। मतलब कि इस गाड़ी में आपको इंटीरियर में कोई भी फीचर्स की कमी फील नहीं होने वाली। तो बेसिकली इस गाड़ी की 4 मीटर से कम लेंथ होने वाली है एंड ये डायरेक्ट कॉम्पिटिशन देगी ब्रेजा वेन्यू जैसी गाड़ियों को जो 4 मीटर से ज़्यादा लंबी गाड़ियाँ होती हैं, जैसे कि ब्रेजा ग्रैंड विटारा। उन पर सरकार को टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ता है, हम लोगों को ऑन द अदर साइड जो गाड़ियाँ 4 मीटर से कम होती है उन पर हमको कम टैक्स लगता है। सो अगर इस गाड़ी के इंजन ऑप्शंस के बारे में बात करें, पहली बात, ये गाड़ी आपको सिर्फ पेट्रोल इंजन में अवेलेबल होगी, डीजल में नहीं मिलेगी। एंड इसमें आपको टोयोटा का नहीं मारुति का पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा, 1.5 लीटर का K15C नॉर्मल पेट्रोल इंजन जो प्रोड्यूस करता है अराउंड 103 BHP एट द रेट 137 Nm ऑफ टॉर्क। यही सेम इंजन आपको ब्रेजा में भी देखने को मिलता है। एंड अगर बात करें दूसरे ऑप्शंस की, आपको इस गाड़ी में CNG का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। उसके साथ हो सकता है कि इस गाड़ी में आपको 1.5 लीटर का टोयोटा का हाइब्रिड इंजन देखने को मिल जाए, पर उसकी इतनी भी कन्फर्मेशन नहीं है। जब भी होगी वो मैं इस चैनल पे वीडियो अपलोड कर दूंगा दोबारा बना के। इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, इस गाड़ी में आपको 6 एयरबैग्स, ABS/ABD, हेल असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे ढेर सारे एडवांस फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। एंड इसका प्लेटफॉर्म काफ़ी सेफ है, जैसा कि आप जानते हैं टोयोटा रेस एक इंटरनेशनल नोन प्रोडक्ट है एंड इसका प्लेटफॉर्म एकदम बढ़िया होगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी। एंड फीचर्स भी आपको बढ़िया प्रोवाइड करके दे रही है टोयोटा, जैसे कि 6 एयरबैग्स वगैरह। सो अगर बात करें इस गाड़ी के प्राइस एंड एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट की, सबसे पहले एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट की बात कर लेते हैं। सो ये गाड़ी एंड ऑफ 2023 या 2024 की स्टार्टिंग में इंडिया में कभी भी लॉन्च हो सकती है। जब हो रही होगी तब आपको पता लग जाएगा इस चैनल पे। बाकी अगर बात करें इस गाड़ी के प्राइस की, इसका प्राइस बेसिकली वेन्यू एंड ब्रेजा जैसी गाड़ियों को कॉम्पिटिशन देने के लिए निकाला जाएगा, यानी कि बिटवीन 8-14 lakhs एक्स शोरूम, इससे ज़्यादा नहीं होने वाला। सो ये थी मेरी वीडियो ऑल अबाउट टोयोटा रेस। कैसी लगी आपको ये गाड़ी कमेंट करके मुझे बता देना। बेसिकली मुझे ये गाड़ी काफ़ी बढ़िया लगी एंड आपको भी कैसी लगी वो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय बता सकते हैं। एंड अगर आपके मन में कोई और भी क्वेश्चन है वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। सो यहाँ पे करते हैं वीडियो को एंड। टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।